गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास, क्लास सिक्स विद यूनिट सिक्स, दैट इज़ इंटीजर। आज हम अपनी यूनिट सिक्स इंटीजर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने हमारी सेकेंड यूनिट थी जिसमें हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। उससे पहले आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं लाइक, जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर्स होते हैं आपके नेचुरल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें हम जीरो भी ऐड कर। इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं आपके, जैसे कि एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, नंबर्स लाइक डैट 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी, है ना, टिल इन्फिनिटी, तो वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमने होल नंबर्स, जो कि हमारा सेकेंड यूनिट था, उसमें किया था होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या आते हैं? आपके बिल्कुल सारे के सारे नेचुरल नंबर तो इसमें आते ही आते हैं। होल नंबर्स में एक ज़ीरो और इंक्लूड हो जाता है, तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं? हम होल नंबर कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ये आपका टिल इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या होते हैं आपके? ये होते हैं आपके होल नंबर्स। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स होते हैं बच्चे, जिसमें आपको, जैसे कि अगर हम बात करें, हम नेचुरल नंबर का यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे कि आपने मुझे 2 टॉफ़ी दी, मैंने आपको 3 चॉकलेट दी, आपने मुझे 4 पेंसिल दी, है ना। इस टाइप से जो काउंटिंग्स होती है ना, उसके लिए हम नेचुरल नंबर का यूज़ करते हैं। और होल नंबर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? होल नंबर का यूज़ हम काउंटिंग्स के लिए तो होल नंबर का यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। काउंटिंग्स में आपको पता ही है क्या होता है, जैसे कि काउंटिंग के अंदर, जैसे कि आपने 4 पेंसिल दी, है ना, तो ये वाली सारी चीज़ें किस में आ जाती है? होल नंबर्स में आ जाती है। होल नंबर्स के अंदर आपके ये सारे नंबर्स तो आ ही जाते हैं, इसके साथ आपके कौन से नंबर्स आ जाते हैं? ज़ीरो। जैसे कि सपोज़ मैंने आपको कुछ नहीं दिया, है ना, सपोज़ मैंने आपको 5 रुपीज़ दिए, वो 5 रुपीज़ की आप शॉप से कोई भी चीज़ वगैरह या फिर कुछ भी ले आए, एक्स वाई जेड, हाँ, तो जैसे कि अगर आप वो 5 रुपीज़ स्पेंड कर चुके हैं, देन आपके पास रिमेनिंग कितने रुपीज़ रहे? आपके पास कुछ नहीं बचा, तो आप उस कुछ नहीं की जगह क्या लिखोगे? ज़ीरो लिखोगे, ठीक है। तो वो हम होल नंबर्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें आपके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ये 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे क्या आपके पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव नंबर भी आएंगे सारे, और सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। नेगेटिव नंबर्स कैसे? जैसे -1, -2, -3, और क्या आता है इसमें? ज़ीरो भी आता है, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं, इसमें आपके सारे के सारे होल नंबर आएंगे, और प्लस क्या आएंगे? प्लस नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर का जो एडिशन होता है, वही क्या होता है? आपका इंटीजर्स होता है। तो कैसे होता है, और हम इंटीजर्स का यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आपके पास दिया हुआ है, नीताज मदर हैज़ 8 बनाना, नीता की मम्मा के पास 8 बनाना है। सुनीता हैज़ टू फॉर अ पिकनिक विद हर फ्रेंड्स। सुनीता अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाती है। शी वॉन्ट्स टू ट्राई 10 बनाना, ठीक है। वो क्या चाहती है? शी वॉन्ट्स टू कैरी 10 बनाना, वो 10 बनाना लेके जाना चाहती है विद हर, अपने साथ। कैन हर मदर गैव 10 बनाना टू हर, तो क्या उसकी मम्मा जो है वो उसे 10 बनाना दे देगी? शी डज़ नॉट इनफ सो शी बोरो 2 बनाना फ्रॉम हर नेबर। उनके पास बनाना नहीं थे, तो इस वजह से उन्होंने 2 बनाना कहाँ से ले लिए? अपने नेबर से ले लिए, और उन्हें बोला कि हम उन्हें वापस रिटर्न बाद में कर देंगे। आफ्टर गिविंग बनाना टू सुनीता, जब बनाना सुनीता को दे दिए, उसके बाद हाउ मेनी बनाना लेफ्ट विद हर मदर, तो उसकी मदर के पास कितने बनाना बचे, उसके बारे में आपको बताना है। कैन वी से दैट शी हैज़ नो बनाना, क्या हम कह सकते हैं कि उसके पास 0 बनाना बचे हैं, उसके पास कोई भी बनाना नहीं बचा? तो वैसे तो हम कह सकते हैं उसके पास 0 बनाना बचे हैं, बट अभी उसको 2 बनाना रिटर्न भी करने हैं उसके नेबर को, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम नेगेटिव वे में काउंट करेंगे कि उसके पास -2 बनाना बचे हैं, क्योंकि उसे 2 बनाना अभी देने हैं ना, तो इसलिए हम उसका नेगेटिव यूज़ करेंगे। सो शी हैज़ नो बनाना विद हर एंड हैज़ रिटर्न टू हर नेबर एंड देन शी गेट्स फ्रॉम मोर बनाना, तो उसके बाद ही उसके पास
कुछ बनाना हो सकते हैं. से सिक्स शी रिटर्न टू एंड बी लेफ्ट विद फोर ओनली. तो देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं कि वो आप जो टोटल उसके पास 10 बनाना थे, है ना, 10 में से अगर वो 6 दे देती है, उसके पास कितने बचे, उसके पास 4 लेफ्ट रह जाते हैं. ठीक है, 10 में से 4 लेफ्ट रह जाते हैं. अभी 2 उसको क्या करना है, नेबर को भी रिटर्न करना है. तो आप यहाँ पे इस टाइप से इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. देखिए बिल्कुल सिंपल है. जो नीता की मदर है उसके पास 8 बनाना थे. सो नीता को एक पिकनिक पे जाना था, उसे कितने बनाना की ज़रूरत थी, 10 बनाना की ज़रूरत थी. तो नीता की मदर ने उसे 8 बनाना तो दे दिए, 2 बनाना कम बचे तो उसने अपने नेबर से लेके उसे दे दिए. ठीक है, अभी जब उसे नेबर को 2 बनाना देने हैं तो वो क्या करती है, अभी वो 6 बनाना और ले आती है. ठीक है, 6 में से 2 वो अपने नेबर को रिटर्न कर देती है, अभी उसके पास 4 बनाना बचे. ठीक है, इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. या फिर अगर हम बात करें कि हमें अर्थ, अर्थ है सपोज हमारा, अर्थ के ऊपर अगर हम जैसे एरोप्लेन जा रहा है तो हम पॉजिटिव वे में काउंट करते हैं कि ये आपका अप्रोक्सीमेट 4200 किलोमीटर की हाइट पे उड़ रहा है ना एरोप्लेन वगैरह. ऐसे सब मरीन जो होती है वो क्या होती है, ज़मीन के अंदर चलती है. ठीक है, तो अब वाटर लेवल के अंदर होती है वो. तो अब अगर हम उसकी बात करें तो वो उसकी जो हाइट है वो आप किस में मेज़र करेंगे, तो उसको हमें नेगेटिव वे में मेज़र करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे ही जब हम बैंक के अंदर रुपीस डिपॉजिट करवाते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वे में होते हैं. जैसे कि मैंने 200 रुपीस डिपॉजिट करवाए तो मेरे प्लस के 200 आए. ठीक है, अभी मैंने सपोज़ वो 200 बैंक से निकलवा लिए, विड्रॉ किए, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे. तो इसलिए हम नेगेटिव नंबर्स का यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर. बहुत सारी जगह पर नेगेटिव नंबर्स का यूज़ किया जाता है. तो आपके इंटीजर्स जो होते हैं ना वो यही तो होते हैं. इसमें क्या होता है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और ज़ीरो होता है. या फिर हम ये बोल सकते हैं सारे के सारे होल नंबर होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब नंबर होते हैं. इसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं. देखो जैसे इसकी डेफिनेशन के अंदर हम लिख सकते हैं इंटीजर्स में, द फर्स्ट नंबर टू बी डिस्कवर्ड विद नेचुरल नंबर. फर्स्ट नंबर इसके नेचुरल नंबर के साथ इसे डिस्कवर किया गया, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये आपकी नेचुरल नंबर की कलेक्शन है. वी इंक्लूड 0 टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर. हम नेचुरल नंबर की कलेक्शन में 0 इंक्लूड कर लेते तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, होल नंबर्स आ जाएंगे. अभी मैंने आपको यही बताया था इसमें सारे के सारे होल नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो होल नंबर हो गए आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, ये डैश डैश डैश. यू हैव दीज नंबर इन अर्लियर चैप्टर. आपके पास इससे प्रीवियस चैप्टर जो कि हमने होल नंबर चैप्टर किया था उसमें ये सारे नंबर्स आपने रीड किए हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है. नाउ वी फाइंड देयर आर नंबर्स टू. अब हमें और भी नंबर्स फाइंड करने हैं जो इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर होते हैं. इफ़ वी पुट होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स टू द न्यू कलेक्शंस ऑफ द नंबर्स लुक लाइक दिस. जैसे कि अगर हम सारे के सारे होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, जैसे कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, डैश डैश डैश, एंड दिस कलेक्शन ऑफ नंबर इज नोन एज इंटीजर्स. तो इन कलेक्शन ऑफ नंबर्स को क्या कहते हैं, हम इंटीजर्स कहते हैं. द कलेक्शन ऑफ 1, 2, 3 आर सेड टू बी पॉजिटिव इंटीजर एंड द कलेक्शन ऑफ -1, -2, -3 आर सेड टू बी नेगेटिव इंटीजर्स. इसमें से आपकी कुछ कलेक्शन है पॉजिटिव और कुछ कलेक्शन है नेगेटिव. तो आप इसकी डेफिनेशन राइट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि 0 आपका सेंटर में होता है और इधर होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ये नंबर चलते जाते हैं. और इधर वाली साइड हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, इस टाइप के नंबर आते जाएंगे आपके पास. ये सारे के सारे नंबर्स जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये आपके नेगेटिव नंबर्स हैं. ठीक है, ये आपके क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं. और ये जो है ये आपके क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. ठीक है, अगर हम 0 को भी साथ में ले लें, 0 से लेके ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये आपके होते हैं होल नंबर्स. ठीक है, ये आपके होल नंबर है. ओनली अगर इसकी बात करें तो ये आपके पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, प्लस हम इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं. ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं. ठीक है, तो इसी की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं. आपको इंटीजर्स के अंदर पता होना चाहिए कि जो इंटीजर्स बैकवर्ड जाते जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ माइनस का 3 और 0, इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, तो हमेशा जो पॉजिटिव वैल्यू होती है ना वो ग्रेटर होती है. ठीक है, 0 आपका वैसे तो ना ही तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव होता, 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव. बट ऑलवेज हम ये देखेंगे कि जो नेगेटिव नंबर्स है ना वो हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं. ठीक है, अभी सपोज अगर मैं बात करूँ माइनस का 100
और माइनस का 2, इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो माइनस के अंदर जो ग्रेटर वैल्यू है ना वो आपकी क्या होती है, छोटी होती है। तो माइनस का 2 जो है ना वो ग्रेटर है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इंटीजर्स के बारे में पता चला। इंटीजर्स ये होते हैं हमारे जो क्या होते हैं, जो आपके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी कंटेन करते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी कंटेन करते हैं और ज़ीरो भी कंटेन करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एन इंटीजर्स, ओके। तो चलिए हम इसको समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय द फॉलोइंग फिगर। हम इसको कुछ फिगर्स के थ्रू समझते हैं। लेट अस सपोज दैट द फिगर रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटर्न अगेंस्ट देम। अगर आपके नेचुरल नंबर की कलेक्शन है तो इस टाइप के फिगर से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़ीरो को आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल को आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स को आप इस टाइप से एरो ट्राइंगुलर शेप का जो है इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो आपका इंटीजर्स है ना उसमें आपका रेक्टेंगल भी आ जाएगा, ये होल नंबर्स ये भी आ जाएगा, और ये जो एरो है नेगेटिव नंबर्स ये भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर्स का सिंबल होता है। ये सारे के सारे सिंबल अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें तो ये सारे के सारे सिंबल्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ज़ीरो, नेगेटिव नंबर्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। सेंटर में इसमें बिल्कुल ज़ीरो होता है, आगे वाली साइड अगर हम जाते जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके पॉजिटिव होते हैं। बैकवर्ड जाएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये आपके क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ये अगर कंपैरिजन की बात करें तो माइनस, ये आगे वाली जो डिजिट है वो ग्रेटर होती जाएगी, जैसे कि माइनस का 5 और माइनस के 6 में कौन ग्रेटर है, तो माइनस का 5 ग्रेटर है, ठीक है। इस टाइप से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ओके। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।